Hello friends, today my topic is switch and case statement. Switch और case जब हम multiple if expression को use ना करें उस case में use करते हैं ताकि हमें if and else की nesting ना करनी पड़े। Switch में switch keyword use होएगा यहाँ पे और उसके अंदर एक integer expression डाल देंगे या integer value होगी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू क्या है, वन है, टू है या थ्री है, ये हम चेक करेंगे या जो भी उसकी वैल्यू हो उसके हिसाब से हम एक्सप्रेशन रन कराएंगे और डिफॉल्ट और अदरवाइज अगर ये वैल्यूज नहीं है तो डिफॉल्ट क्या वैल्यू उसके हिसाब से स्टेटमेंट्स रन होंगे इन दो पैरेंथेसिस के बीच में इस स्विच वैल्यू की स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक करेंगे। तो स्विच केस स्टेटमेंट अलाउज अस टू मेक डिसीजन फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस। इंटीजर एक्सप्रेशन मस्ट हैव एन इंटीजर वैल्यू लाइक 1 2 3। द कीवर्ड केस इज फॉलोड बाय एन इंटीजर और ए कैरेक्टर कांस्टेंट। ईच कांस्टेंट इन ईच केस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स। द डू दिस लाइंस इन दिस अबाउट फॉर्म ऑफ स्विच रिप्रेजेंट एनी वैलिड सी स्टेटमेंट। यहां जो डू दिस दिए हुए हैं इसका मतलब है कि हम उसकी वैल्यू के हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट रन करा सकते हैं। जैसे एक ये प्रोग्राम बनाया हमने एग्जांपल के लिए, void main लिखा, सबसे पहले main का प्रोग्राम बनाते हैं, parenthesis की स्टार्टिंग है, एक इंटीजर वैल्यू ली है i equals to 2, इसमें इसको स्विच में डाल के हम चेक करते हैं कि whether its value is 1 और 2 और 3। यहाँ ये देखना है कि यहाँ कॉलन है और इधर सेमीकोलन है तो केस वन टू केस के आगे कोलन लगेगा। स्विच में जो वैल्यू डाली है वो चेक होगी, अगर उसकी वैल्यू वन है तो प्रिंट कराना है आई एम इन केस वन, अगर उसकी वैल्यू टू है तो प्रिंट कराना है आई एम इन केस टू और स्लैश एन है लाइन चेंज के लिए और केस थ्री प्रिंट एफ आई एम इन इज केस थ्री, डिफॉल्ट में प्रिंट कराना है आई एम इन डिफॉल्ट। तो ये आई इक्वल्स टू टू है इसलिए यहाँ प्रिंट होगा आई एम इन केस टू और क्योंकि मैंने केस टू के बाद ब्रेक नहीं लिखा है इसलिए केस टू और केस थ्री और डिफॉल्ट तीनों एक साथ रन हो जाएंगे तो आउटपुट आएगा आई एम इन केस टू, आई एम इन केस थ्री एंड आई एम इन डिफॉल्ट। अब हम देखते हैं कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाएं तो क्या होगा। तो ब्रेक ऑलवेज यूज्ड विद द स्विच स्टेटमेंट टू टर्मिनेट द स्विच स्टेटमेंट और टू प्रिवेंट द एंट्री इन अदर केस। जैसे देखिए i equals to 2 वही प्रोग्राम वही है, सिर्फ हमने ब्रेक स्टेटमेंट बार बार यूज किए। तो स्विच i लिखा केस 1, प्रिंट एफ आई एम इन केस 1 ब्रेक लगा दिया, केस 2 में प्रिंट एफ आई एम इन केस 2 ब्रेक, केस 3 प्रिंट एफ आई एम इन केस 3 के बाद ब्रेक और डिफॉल्ट में आई एम इन डिफॉल्ट। तो जैसे ही स्विच की स्विच में डालेंगे i की वैल्यू कंपाइलर चेक करेगा केस 2 है तो प्रिंट हो जाएगा आई एम इन केस 2, ये आउटपुट आएगा आई मीन केस टू और जैसे ही ये होगा तो ब्रेक हो गया, ब्रेक मतलब आप लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, ये एक प्रोग्राम देखिए, इंटीजर रोल इक्वल्स टू 3, रोल नंबर की वैल्यू 3 पर जाएगी, प्रिंट होगा आई एम इन जॉन, ब्रेक होके ब्रेक होते ही ये लूप के बाहर आ जाता है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू पुट केस इन इज असेंडिंग ऑर्डर एज वी डिड अबव, वी कैन प्लेस देम इन एनी ऑर्डर एज वी वॉन्ट। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जैसे वहां लिखे थे 1 2 3 वैसे ही लिखें, यहाँ पे 3 11 2 किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, वो अपने आप वैल्यूज चेक होएगी, आई की वैल्यू 2 है तो सीधा यहाँ आएगा आई मीन केस 2 और ब्रेक हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि कोई ऑर्डर में ही केस की वैल्यूज लिखी जाए। करेक्ट, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं टू फाइंड वेदर द करेक्टर एंटर इज वोवल और नॉट। कोई भी करेक्टर हमने एंटर कर रहे हैं हमको उसको चेक करना है कि वो वोवल है या नहीं। ठीक है, ए ई आई ओ यू मुझे पता है वोवल होते हैं, तो एक प्रोग्राम लिखा हमने जिसमें हमने सबसे पहले लिखा कैरेक्टर सी एच, उसको मैंने परसेंट सी लगा के स्कैन कर लिया, स्विच में उसकी वैल्यू डाली, केस ए ई आई ओ यू लगाए हैं केस, और इनमें किसी में भी अगर रन होता है, इनमें से कोई भी एक होता है तो कैरेक्टर इज वोवल हमें प्रिंट कराना है और ब्रेक कर देना, अदरवाइज हम डिफॉल्ट में प्रिंट कराएंगे कैरेक्टर एंटर इज नॉट ए वोवल। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म इसकी ये है
कि हमें इतने सारे एक साथ ना लिख के हम सीधा सिंपल केसेस लगा रहे हैं ए ई आई ओ यू या फिर कैपिटल ए ई आई ओ यू कॉलन लगाएं, केसेस के केसेस सारे एक साथ लिख दिए और प्रिंट एफ वाला जो स्टेटमेंट है वो हम बाद में लिखेंगे बार बार ना लिख के। तो एक ही बार लिखा है क्योंकि किसी क्योंकि सारे ही केसेस में एक ही हमें लाइन प्रिंट करानी है कि करेक्टर एंटर्ड इज वोवल, तो कोई भी इनमें से केस सेटिस्फाइड होगा तो करेक्टर एंटर्ड इज वोवल प्रिंट हो जाएगा, ब्रेक होके हम डिफॉल्ट में करेक्टर एंटर इज नॉट ए वोवल। इफ ए स्टेटमेंट डज नॉट बिलोंग टू एनी केस द कंपाइलर वॉन्ट रिपोर्ट एन एरर, अगर कोई भी केस रन नहीं होगा तो भी कंपाइलर एरर नहीं देगा। हाउएवर द स्टेटमेंट वुड नेवर गेट एग्जीक्यूटेड, फॉर एग्जाम्पल इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम द प्रिंटफ नेवर गोज टू वर्क, तो अगर कोई ना भी स्टेटमेंट या केस रन होता है तो भी इसमें कंपाइलर कोई एरर नहीं आएगी। इफ देयर इज नो डिफॉल्ट इन स्विच द एरर विल नॉट बी देयर, इफ नो केस इज मैचिंग स्टेटमेंट आफ्टर स्विच विल एग्जीक्यूट, अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू नहीं भी लगाते हैं तो भी चलेगा। रिलेशनल एक्सप्रेशन लाइक आई ग्रेटर देन फाइव आर नॉट अलाउड, इसमें एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है। वी कैन चेक द वैल्यू ऑफ एनी एक्सप्रेशन इन ए स्विच थस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लीगल, इस तरह से हम स्विच में वैल्यू डाल के अगर उसकी इंटीजर वैल्यू आ रही है तब चेक कर सकते हैं पर एक्सप्रेशन नहीं डाल सकते। एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी यूज इन केस प्रोवाइडेड दे आर कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, थस केस 13 प्लस 7 इज करेक्ट, हाउएवर केस ए प्लस बी इज इनकरेक्ट, 13 प्लस 7 डाल सकते हैं पर ए प्लस बी इनकरेक्ट रिजल्ट आएगा। स्विच में अकर विद इन अनोदर बट इन प्रैक्टिस इट इज रेयरली डन, सच स्टेटमेंट वुड बी कॉल नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट, हम रेयरली यूज करते हैं, नेस्टेड स्विच भी कर सकते हैं। द स्विच स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल वाइल राइटिंग मीनू ड्राइवन प्रोग्राम, जब हम मीनू ड्राइवन कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूजर से चॉइस मांगते हैं कि उसकी चॉइस वन है टू है थ्री है ए है बी है सी है, इस तरह के प्रोग्राम्स में हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। इवन इफ देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन ईच केस देयर इज नो नीड टू इनक्लोज देम विद इन ए पेयर ऑफ ब्रेसेस, इसमें लाइक अनलाइक इफ एंड एल्स लगाने के बजाय हम मल्टीपल स्टेटमेंट केसेस में यूज करके इसको प्रोग्राम को इजी बना सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ स्विच क्या है, इफ फ्लोट एक्सप्रेशन कैन नॉट बी टेस्टेड यूजिंग ए स्विच, फ्लोट वैल्यू हाँ इसमें स्विच में नहीं ले सकते। केस कैन नेवर बी हैव वेरिएबल एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल केस में ए प्लस थ्री नहीं आ सकता। मल्टीपल केसेस कैन नॉट यूज सेम एक्सप्रेशन, केस टू और केस वन प्लस वन ये इसमें इलीगल है। और एडवांटेज ऑफ स्विच ओवर इफ एल्स क्या है, कंपाइलर जनरेट्स ए जंप टेबल फॉर ए स्विच ड्यूरिंग कंपाइलेशन, एज ए रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इट सिंपली रेफर्स द जंप टेबल टू डिसाइड विच केस शुड बी एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम स्विच में किसी वैल्यू को चेक करते हैं तो काफी सारी प्रोग्राम्स में काफी सारी लाइन्स की एग्जीक्यूटिंग नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन क्या इजी हो जाएगी, जबकि इफ एल्स में क्या है एग्जीक्यूशन स्लोअर होगा बिकॉज दे आर इवेल्यूएटेड एट एग्जीक्यूशन टाइम इवेल्यूएशन होगा। तो ये इफ और एल्स के बजाय स्विच स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं ताकि मल्टीपल चॉइसेस को हम एक साथ चेक कर सकें, ये स्विच और केस का बेनिफिट है ओवर द मल्टीपल इफ एल्स। थैंक यू।